अबे तू होली मना रहा है? मुझे कुछ भी करके इस साल में एक स्टार्टअप खोलना है। खोल लेना फिर। अरे भाई मेरे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, मुझे बस थोड़ा सा खोलना है। जब थोड़ी सी भी अर्निंग आ जाए ना तो मैं थोड़ा मतलब टीम बढ़ाऊंगा यार, ऐसा कुछ बता। भाई मेरे पास नहीं है इन्वेस्टमेंट। एक काम कर, AI से कर ले। ए यार वो भी काम फ्री होते हैं। अबे स्टार्ट तो कर सकता है ना। क्या वैसे क्या सोचा है? मीडिया कंपनी। मीडिया कंपनी? एक आइडिया दूं? किसी को बताइयो मत। भाई तू इधर। आज इस वीडियो में हम फ्रॉम स्क्रैच एक मीडिया कंपनी बनाने की कोशिश करेंगे AI की मदद से। और वो कोई ऐसी वैसी मीडिया कंपनी नहीं होगी जहां पर लोगों को न्यूज तो मिलेगी, ट्रेंड्स को भी आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी, और वो कुछ ऐसे फॉर्म में होगी जिसको देखने में मजा भी आएगा। और हाँ, इसमें ChatGPT का कोई काम भी नहीं होगा। और हाँ, ध्यान रखना इस वीडियो को देखने से पहले, ये बिल्कुल बिगिनर लेवल का वीडियो होगा, तो उसमें जो चीजें बताऊंगा उसमें आप अपनी चीजें कस्टमाइज करके इसको स्केल भी कर सकते हैं। तो हम बना क्या रहे हैं भाई, पहले उसका प्लान जान लें, क्योंकि बिना प्लान का बिजनेस और बिना तारक मेहता की खाना खाना, दोनों में कहां मजा है। हम बना रहे हैं एक ट्रेंड मीडिया कंपनी जिसमें वायरलिटी एक फैक्टर है, जैसे कि मीम्स और स्टोरी टेलिंग, जो कि ब्रांड बिल्डिंग में भी मदद करेगा। यानी कि कुछ नया बना रहे हैं हम AI टूल से। स्टोरी टेलिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और ट्रेंड, ये चार पिलर होंगे हमारे जिसपे ये कंपनी पूरी तरीके से खड़ी हुई है। ये शुरुआत में ठीक है जैसे कि आप स्टूडेंट हैं या बिल्कुल ही नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जैसे जैसे आप इसमें आगे जाते जाएंगे आप इसमें और चीजें ऐड करते जाएंगे, जो कि काफी मजेदार सीन बनता है। और इसको दो तरीके से मैं आपको करना सिखाऊंगा, वो आगे वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन ऐसी मीडिया को बनाना क्यों है? उसका बड़ा रीजन है स्टोरी टेलिंग। तो हम उस मार्केट में जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर मार्केट तो बहुत बड़ा है, डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन सप्लाई बहुत कम है। और स्टोरी टेलिंग उसमें एक बड़ा रोल भी निभाता है। उसकी वजह से तो आपको न्यूज चैनल के ऊपर कार्टूनिस्टिक पैरोडीज देखने को मिलते हैं, जो आपको न्यूज चैनल के बीच बीच में दिखाई जाती है, और व्यूअर्स का एंगेजमेंट लिया जाता है। एक ने शुरू किया तो सभी ने चालू कर दिया। तो इसमें स्टोरी टेलिंग ब्रांड बिल्डिंग को दर्शाता है और एक अलग हाइट पे पहुंचाता है एक ब्रांड को। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत से एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर आपको कंपनी बनानी है तो मार्केटिंग करो, अगर ब्रांड बनाना है तो स्टोरी बनाओ। और स्टीव जॉब्स से अच्छा कौन जानता था ये। लेकिन जेन जी के लिए स्टोरी क्या है? वो आर्ट है, वो मीम है, वो वायरल कंटेंट है। ये तीन चीजें बनती है ट्रेंड से, और हम ट्रेंड्स का ही इस्तेमाल करके ये जो तीन चीजें हैं जेन जी की, उससे अपने वो चार पिलर्स खड़े करेंगे मीडिया कंपनी के। कंफ्यूज हो गए क्या? सीधी आसान भाषा में समझाऊं, ट्रेंड्स को ऐसे डिजाइन करना है जो ब्रांडिंग में भी काम आए, मार्केटिंग में भी काम आए और देखने में भी मजा आए लोगों को। और क्या होता है एक मीडिया कंपनी में, एक मॉडर्न मीडिया कंपनी में? तो इसको हम 5 स्टेप्स में करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 हम पहले जान लेते हैं, जो कि है ट्रेंड फाइंडिंग। ट्रेंड फाइंडिंग के 3 तरीके हैं, गूगल ट्रेंड्स, न्यूज वेबसाइट्स, एक मैं अभी बताऊंगा, और ट्विटर। हम सीधे चलते हैं गूगल ट्रेंड्स की तरफ, देखते हैं आज क्या ट्रेंडिंग है, उसके ऊपर हम बनाते हैं। इस वक्त मुझे कैंपा कोला, रोनाल्डो, अल नसार, तू झूठी मैं मक्कार और पैट कमिंस जैसे कुछ टॉपिक्स मुझे ट्रेंडिंग देखने को मिल रहे हैं। अब मैं इसमें से कुछ ही ट्रेंडिंग आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाऊंगा और उसमें से कुछ स्टोरी लाइन हम बनाते हैं। देखो मीडिया कंपनी होती है 2 तरीके की, एक होती है नीश फोकस, जो एक ही टॉपिक पे फोकस करते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं Inc42, जो सिर्फ बिजनेस, स्टार्टअप, इकोसिस्टम के बारे में फोकस करते हैं। और वहीं जो होती है ऑल ओवर मीडिया इंडस्ट्रीज, जो हर टॉपिक को कवर करती है। लेकिन हम कोशिश करेंगे ऑल ओवर मीडिया ही बनाए, लेकिन हम इसको थोड़ा ब्रांड के परस्पेक्टिव से देखें तो हमें कुछ तो अर्निंग होनी चाहिए ना, तो साइड में हम ब्रांड बिल्डिंग को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, जो आगे मैं समझाता हूँ, ज्यादा उतावले मत हो। आपको अगर और ट्रेंड्स फाइंड करने हैं या एक टॉपिक आपने चुन लिया है उसके ऊपर देखना है कि कितने लोग सर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो आंसर द पब्लिक भी एक अच्छा टूल निकल के आता है, जिसके बारे में मैंने पहले ही आई बटन पे बता दिया था। खैर हमें पता पड़ गया कि हमारा कंटेंट क्या है, अब हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ, जो कि है मिड जर्नी AI की तरफ। मिड जर्नी AI वेबसाइट पे आप जाएंगे, ज्वाइन द बीटा पे क्लिक करेंगे। ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो डिस्कॉर्ड की तरफ फॉरवर्ड आउट कर देगा, डिस्कॉर्ड सर्वर। हाँ मुझे पता है कि इसमें 25 क्रेडिट्स ही मिलते हैं आपको, लेकिन उसका भी इलाज एंड में पता पड़ेगा। तो हम आ चुके हैं मिड जर्नी के होम पेज पे, यहाँ पर आप मिड जर्नी का लोगो देख रहे होंगे, उसे क्लिक करो और नीचे देखो इतने सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं न्यूबी अकाउंट के। कोई भी न्यूबी अकाउंट को आप सिलेक्ट कर लो। नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको टाइपिंग स्क्रीन मिलेगी, स्लैश इमेजिन प्रॉम्प्ट डालो। तो सबसे पहले हमने
कैंपा कोला का सुना था, तो क्यों ना मुकेश अंबानी जी को कैंपा कोला के ग्लास के साथ एक स्टोरी बनाते हुए देखी जाए। तो हम यहाँ पर आएंगे गूगल पे मुकेश अंबानी सर्च करेंगे और ये इमेज का एड्रेस कॉपी कर लेंगे। फिर चलेंगे हम मिड जर्नी की तरफ। मिड जर्नी में डिस्कॉर्ड पे /imagine prompt डालेंगे, ये जो लिंक हमने कॉपी किया है उसे पेस्ट करेंगे और एक प्रॉम्प्ट डालेंगे। प्रॉम्प्ट मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर शो कर दूंगा और इस वक्त मैं लिख भी रहा हूँ। तो इसको एंटर करने के बाद ऐसे कुछ रिजल्ट हमें देखने को मिले। इसमें से मुझे ये वाली इमेज अच्छी लगी तो मैंने इसे अपस्केल कर दिया। आप V1 का इस्तेमाल या V2, V3, V4 हर पिक्चर के 4 वर्जन और बना सकते हैं उसका इस्तेमाल करके। अब ऐसे ही आपको दूसरी इमेज यानी शिवाजी महाराज की आज जयंती है, तो हम उनका एक पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश करते हैं जो उनकी स्टोरी लाइन को दर्शाएगा। प्रॉम्प्ट मैं आपकी स्क्रीन पे डाल दूंगा और उस प्रॉम्प्ट से ऐसी इमेज निकल के आई है। इस इमेज को मैं वीडियो में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ जो आगे हम जानेंगे। ऐसे ही 2-3 ट्रेंड्स और थे तो उसके ऊपर भी मैं ग्राफिक्स बना लेता हूँ। आप इसको एक ह्यूमन टच भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि AI का ही उठा के डालना है, जिससे और ज्यादा एंगेजमेंट बनेगा आपके व्यूअर्स के ऊपर। और AI आर्ट आज हर कोई पसंद करता है और इसी आर्ट को आप वीडियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड दिस इज माय ब्लॉग। आई होप यू ऑल हैव अ ग्रेट डे। यानी कि ये आर्ट भी बोल सकते हैं जो आपको एक वैरायटी ऑफ कंटेंट देके जाएगा आपकी मीडिया कंपनी में। और ये आप काम कैसे करेंगे, आप जाएंगे DID वेबसाइट के ऊपर जहां पर आपने जो भी इमेज डाउनलोड करी है मिड जर्नी AI से उसको आप अपलोड करेंगे और DID उसमें एनिमेशन डाल देगा, फेस एक्सप्रेशंस डाल देगा और जो आप लिखेंगे उसे बोल के भी सुना देगा। तो आपकी मीडिया कंपनी में एक AI जनरेटेड कंटेंट की एक वैरायटी बन जाएगी। और फिर इसको आप मोशन पोस्टर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जो किसी कंपनी के ब्रांड बिल्डिंग और मार्केटिंग में मदद करेगा और यहीं से तो आपका बनेगा काम। खैर, हमने मोटा मोटा ये समझ लिया कि यार हमको ट्रेंड्स को ऐसे डिजाइन करना है AI की मदद से या खुद की मदद से जिससे हम एक स्टोरी बना सके। आप इसको मीम फॉर्म में कर सकते हैं जो ये कंपनी भी करती है, आप इसको AI आर्ट के फॉर्म में कर सकते हैं जो हजारों इंस्टाग्राम पेजेस अब करने लगे अपने AI आर्ट को ही कन्वर्ट करते हैं वीडियो के अंदर, और तीसरा इसको मोशन पोस्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं step 3 की तरफ। अब इसकी वेबसाइट भी बनानी है यार अपन को। अब हम वेबसाइट, यहाँ पर 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो एक सिंगल पेज वेबसाइट बनाई जाए या तो मल्टी पेज वेबसाइट बनाई जाए। लेकिन अगर हम शुरुआत कर रहे हैं तो हम न्यूज चैनल से टक्कर नहीं ले सकते, तो हमें 1 पेज वेबसाइट से ही अपने ट्रैफिक को एक जगह पे इकट्ठा करना पड़ेगा। यानी कि उसी वेबसाइट से, उसी लिंक से आप सोशल मीडिया पे अपने ऑडियंस को डाइवर्ट कर सकते हैं जो आजकल मॉडर्न मीडिया करती है। मॉडर्न मीडिया और न्यूज चैनल्स में बहुत फर्क हो गया है। न्यूज चैनल्स का काम करोड़ों लोगों को देख रहे हैं, इसलिए उनको अलग अलग मीडिया फॉर्म्स में दिखाना पड़ता है और उसके लिए वेबसाइट का मल्टी पेजेस होना बहुत जरूरी है। वहीं मॉडर्न मीडिया आजकल क्या करते हैं, वो मीडिया कंपनी तो बनाती है लेकिन 1 पेज की होती है, लेकिन उसकी जो मीडिया फॉर्म्स होते हैं वो अलग अलग सोशल मीडिया की तरफ रहते हैं। और अगर आपको वायरल कंटेंट बनाना है और जो हम ट्रेंड मीडिया बना रहे हैं उसका मेन सोर्स, उसका वो पिलर स्टोरी टेलिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और ट्रेंड था, और ट्रेंड जमता है वायरलिटी से। जब तक वो पोस्ट वायरल नहीं होगा मजा नहीं आएगा। और वायरल करने के लिए सबसे बढ़िया टूल सोशल मीडिया, जो मैं step 5 में बताऊंगा कैसे इसको बड़े आसानी से भी हम कर सकते हैं। पहले हम step 3 जान ले। हम एक सिंगल पेज वेबसाइट बना रहे हैं तो हम होस्टिंगर का इस्तेमाल करेंगे। आपको और कोई भी नो कोड टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सिंपली यहाँ पर इनके टेम्पलेट्स में से एक अच्छा सा टेम्पलेट सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि हम एक सिंगल पेज वेबसाइट बना रहे हैं तो हम ज्यादा फोकस करेंगे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की तरफ। बस आपको एक लैंडिंग पेज मिल जाए जो ऑडियंस को एक जगह इकट्ठा करके एक जगह पहुंचा सके, एक साधन के जैसे। तो मैंने ये वाला टेम्पलेट सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको फटाफट फास्ट फॉरवर्ड करके जितने भी मैंने आर्ट्स बनाए हैं इन सबको एक वेबसाइट के अंदर डालता हूँ। आप इसको धीरे धीरे आराम से कर सकते हैं। इसमें इमेजेस चेंज हो जाएगी, टेक्स्ट को आप अपने हिसाब से फॉर्म कर सकते हैं, लोगो बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बैक एंड और फ्रंट एंड लोगो में कंफ्यूजन था, वो भी आप दोनों कर सकते हैं अलग अलग डेडिकेटेड तरीकों से। अब आता है चौथा स्टेप। नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जैसे ही आपको नाम पता पड़े ना तुरंत कुछ सोचो मत, सीधा डोमेन उठाओ यार, वरना बाद में बहुत दिक्कत हो जाती है। उस डोमेन को हम वेबसाइट से कनेक्ट कर लेंगे। डोमेन के लिए मैं यहाँ पर होस्टिंगर रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी यूज करता हूँ। जहाँ पर .com.in डोमेन पे मुझे भर भर के डिस्काउंट मिल रहा है तो काय को मैं पैसे खर्च करूँ बे। होस्टिंगर का अगर मैं 1 साल का लूंगा तो मुझे डोमेन भी फ्री मिल जाएगा, तो फिर उसकी भी कोई टेंशन नहीं, होस्टिंग डोमेन दोनों इकट्ठे। तो भाई मेरा रिकमेंडेशन तो रहेगा कि आप 12, 24 या 48 मंथ्स वाला प्लान लो, क्योंकि बहुत लोग कहेंगे भैया मैं तो 1 महीना पहले ट्राई करूंगा, फिर मेरे को पसंद आएगा तो मैं करूंगा। अरे भाई
एक महीने में तो तेरे को वैसे कुछ नहीं मिल रहा, फ्री फ्री डोमेन तो मिल रहा है उसमें कम से कम, और प्राइस भी तू ज्यादा पे कर रहा है एक महीने के हिसाब से। यहाँ पर 12, 24 या 48 प्लान के आसपास कोई लेता है तो एक तो फ्री डोमेन भी मिलेगा आपको, ऊपर से एक महीना तो वैसे ही फ्री रहता है, मनी बैक गारंटी है 30 डेज की, तो उसका भी फायदा मिल जाता है। तो सीधा प्रीमियम वेब होस्टिंग लेते हैं अपन। चलो बस अब फिर क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाना है, लिंक पे क्लिक करना है, लिंक आपको यहाँ इस पेज पे वेबसाइट पे ओपन कर देगा। नीचे स्क्रोल करेंगे तो प्रीमियम वेब होस्टिंग जो कि एकदम बेस्ट प्लान रहता है प्राइस और सर्विसेज के हिसाब से, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ, वो आपको इस पेज पे डाइवर्ट कर देगा। यहाँ पर आपको प्लान्स का ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आप अपनी पॉकेट फ्रेंडली के हिसाब से प्लान ले सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन हमेशा यही रहेगा कि ज्यादा वाला प्लान आपको ना केवल सर्विसेज देके जाता है बल्कि अफोर्डेबल भी बनाता है। ये आपको सामने ही स्क्रीन पे दिख जाएगा। मैं यहाँ पर अभी 12 मंथ्स वाला प्लान चूज कर लेता हूँ। नीचे स्क्रॉल करूंगा तो मुझे यहाँ पर लॉग इन डिटेल्स अपनी डालनी होंगी, मैंने पहले से लॉग इन कर रखा है, आपको अगर साइन अप करना हो तो आप कर सकते हैं। फिर नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो आपको वहाँ पर पेमेंट की डिटेल्स मिलेंगी, और लो सबसे बढ़िया मजे की बात, कूपन कोड का ऑप्शन मिल रहा है, कूपन कोड पे बिजी फंडा डाल देना, 10% का डिस्काउंट। कूपन कोड डालने से पहले ये प्राइस दिखा रहा है होस्टिंगर मुझे, और कूपन कोड डालने के बाद चमत्कार। और मैंने एक और बात नोटिस करी कि जितना बड़ा मैं प्लान लेता हूँ उतना ही मुझे ज्यादा डिस्काउंट भी मिलता है, जो कि आपके लिए तो अफोर्डेबल बन ही जाता है और आप ज्यादा सर्विसेज एंजॉय कर सकते हैं। बाकी 30 डे मनी बैक गारंटी तो है ही, ऊपर से इनके दो फायदे और हैं जो हमें अपनी वेबसाइट में काम आ सकते हैं। पहला तो इनके सर्वर्स जो हैं वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, और अब तो इन्होंने अपना एक नया सेंटर मुंबई में भी खोल दिया है, तो कम प्राइस में आपको ज्यादा स्पीड देखने को मिलते हैं वेबसाइट्स की। और दूसरी बात यह है कि इनका वेबसाइट बिल्डर जो है उस पे हम सिंपली अपनी मीम मीडिया को खड़ा कर सकते हैं, तो हमारी वेबसाइट, हमारा डोमेन, होस्टिंग सब एक ही जगह पे हो जाएगा। चलो जाओ भाई अपना लेटेंसी इंप्रूव करो अफोर्डेबल प्राइस पे। नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दिया है। बच गए। बस फिर हम क्या स्टेप 5 की तरफ बढ़ेंगे, हमारा कंटेंट बन गया, अपलोडिंग के लिए जगह मिल गई। अब आती है सोशल मीडिया की बारी। वेबसाइट से आप जो सोशल मीडिया को कनेक्ट करेंगे वहां पर आप अपना कंटेंट अपलोड करेंगे। इंस्टाग्राम पे आप ब्लॉग पेजेस बना सकते हैं जहां पर हम नई नई न्यूजेस को AI आर्ट से दिखा सकते हैं, और या अपनी एक नीच पकड़ के डिस्कॉर्ड पे एक सर्वर बना सकते हैं जिससे आपकी कम्युनिटी बिल्डिंग में मदद मिलेगी। और हाँ, तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, रेडिट पेज बनाओ और रेडिट पे अपने कंटेंट को शेयर करो, एक कम्युनिटी बिल्डिंग और वायरल फैक्टर जिसके हमने पहले बात करी थी उसको अचीव करने के लिए। तो भले ही इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, कोई भी चीज हॉगवर्ड्स के लेगेसी के जादू मैजिक की तरह काम नहीं करती, तो अपना टाइम लो, चीजों को समझो, AI कंटेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप मीम्स में कन्वर्ट कर सकते हो। और ब्रांड्स यही चाहते हैं कि जितना हो सके उतना हमारे ब्रांड का नाम वायरल जाए, जिसके बारे में और आगे हम बात करेंगे अपने अगले पार्ट में, क्योंकि ब्रांड समझ चुके हैं अगर आपको वायरल जाना है तो आपको एक्सपेरिमेंटल मार्केटिंग, मीम मीडिया, इन सब से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि जेन जी की आदतें बहुत खराब है। लेफ्ट वाली वीडियो में आपको सोशल मीडिया कैसे बनाए AI की मदद से मिल जाएगा पता, और राइट वाली वीडियो में टेक स्टार्टअप कैसे बनाया जाए AI की मदद से वो मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।